सिर्फ ये चुनावी मुद्दे हैं सहारा इंडिया के नाम पर खैरात बांटने का काम है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों अगर आप सहारा इंडिया के निवेशक हैं, अगर आपने सहारा इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, या फिर किसी भी तरीके से आप सहारा इंडिया से रिलेटेड हैं, जैसे कि आपका कोई सगा संबंधी या कोई भी सहारा इंडिया का इन्वेस्टर है, तो ही आप इस वीडियो को क्लिक करके देख पा रहे हैं। दोस्तों सहारा इंडिया रिफंड के रिलेटेड माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो 29 मार्च 2023 को रिफंड के रिलेटेड 5000 करोड़ का जजमेंट आया हुआ था, तो उसके थ्रू जितने भी सहारा की सोसाइटीज का पैसा, जैसे सहारा मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारे इंडिया कॉरपोरेशन सोसाइटी, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और जो भी सहारा की 4-5 ऐसी सोसाइटीज हैं, तो उनका रिफंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5000 करोड़ का रिफंड सहारा सेबी अकाउंट से सेंट्रल रजिस्ट्रार को दिया हुआ था कि इसमें से पैसे निकालकर और सेंट्रल रजिस्ट्रार के माध्यम से उसे भुगतान कराया जाए। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस आदेश पर एक CRCS पोर्टल रिफंड के लिए बनाया और उस पोर्टल के थ्रू अभी निवेशकों का रिफंड किया जा रहा है। लेकिन अब यहां पर ध्यान देने वाली ये बात है कि क्या निवेशकों का पूरा पैसा उन्हें रिटर्न किया जा रहा है, या फिर सिर्फ ये चुनावी मुद्दे हैं सहारा इंडिया के नाम पर, सिर्फ चुनाव के लिए अपनी रोटियां सेकी जा रहे हैं, या सिर्फ ये चुनावी लॉलीपॉप है सहारा इंडिया रिफंड के नाम पर। इस वीडियो पे आपको पूरा A to Z क्लैरिफिकेशन देने वाले हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग जो सहारा इंडिया में जिन्होंने निवेश किया हुआ है, लगभग 8-10 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं, कई लोग तो छोड़ भी चुके हैं कि हमें हमारा पैसा नहीं मिलने वाला है, और अभी जो पैसा मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए, चुनावी अपने मुद्दे को बनाने के लिए ही रिफंड किया जा रहा है। अभी इस वीडियो पर मैं आपको क्लियर A to Z बताऊंगा कि क्या चल क्या रहा है सहारा इंडिया रिफंड के नाम पर। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं इस रिफंड के स्कीम को कि किस तरीके से इसे यूज किया जा रहा है। देखिए सहारा सेबी अकाउंट से जो 5000 करोड़ रुपए रिफंड के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश पर सेंट्रल रजिस्ट्रार के माध्यम से भुगतान के लिए दिए गए, वो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिफंड के लिए दिए गए थे। अब अभी जो CRCS पोर्टल बना हुआ है जहां से रिफंड क्लेम लिया जा रहा है, तो अभी अमित शाह जी ने एक अपना स्टेटमेंट दिया, अपने भाषण पे कहा है कि हम इस स्टेज पे, ये ट्रायल स्टेज है, और इस ट्रायल स्टेज पे हम 10,000 से 30,000 के बीच का ही जो भी निवेशक हैं, जिनका भी पैसा है, तो मतलब 10,000 से 30,000 तक ही अमाउंट उन्हें दिया जाएगा। अब जरा आप सोचकर देखिए कि जिन लोगों का 50,000, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख रुपए सहारा में फंसा हुआ है, उनको 10,000 से 30,000 रुपए का ये खैरात बांटने का काम है, या फिर अपनी सरकार को ये कह देने का सिर्फ काम है कि नहीं हमने तो रिफंड करा दिया, ये सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट का काम मुझे लग रहा है। अब आप ये बताइए कि जो लोग सहारा में 10-10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उनको 10,000 से 30,000 रुपए देकर आप क्या करेंगे। एक आदमी को अगर आप 2 लाख रुपए उसका जमा है, तो उस 2 लाख रुपए के नाम पर आप उसको 10,000 रुपए दे रहे हैं। दूसरी बात, जो 15G 15H के फॉर्म होते थे उसके बेस पे सहारा रिफंड, अभी जो इनका CRCS पोर्टल लॉन्च होने के पहले एक नोटिस निकला हुआ था EKYC के लिए, उस EKYC संबंधित ये बताया गया था कि आधार कार्ड बैंक से लिंक होना जरूरी नहीं है, आप KYC फिंगर के माध्यम से भी कर सकते हैं, ऐसे उसमें दिया गया था कि मैंडेटरी नहीं है, आधार सीडिंग, आधार बैंक से अकाउंट से लिंक होना ये जरूरी नहीं मांगा गया था। लेकिन इस पोर्टल पर जो रिफंड हो रहा है वो आधार के थ्रू हो रहा है, यानी कि आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, आपका आधार नंबर बैंक अकाउंट खाते से लिंक होना चाहिए, तो जाके आप इसमें रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसमें मुझे दो चीजें समझ में आ रही हैं, पहली बात तो सरकार अपना मुद्दा बना रही है, दूसरी चीजें ये है कि आपसे बैंक अकाउंट से आधार नंबर ले लिया जा रहा है OTP के माध्यम से, अब आपका सत्यापन हो रहा है, सत्यापन होने के बाद अब आपको रिफंड 10,000 से 30,000 रुपए का मिल जाएगा। और अगर आपके राशि 50,000 रुपए से ऊपर है, तो वो 50,000 से अगर ऊपर की राशि है मिलेगा तो 10 से 30,000 ही, लेकिन राशि अगर 50,000 से ऊपर है तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। जबकि जो पहले लॉन्च हुआ था और नोटिस जो पहले सहकारिता मंत्रालय ने दिया था, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो ये कुल मिला के घुमा फिरा के ये कहने वाली बात है कि सिर्फ ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनावी लॉलीपॉप है। अगर आप अपना 10,000 से 30,000 रुपए का रिफंड लेना चाहते हैं, तो आप पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अब क्या कर सकते हैं, संघर्ष करते रहिए या फिर आप पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। हालांकि इन्होंने जो कहा है कि ये एक ट्रायल बेस पे हम कर रहे हैं, हो सकता है कि आगे चलकर जो भी और भी रिफंड की चीजें हैं तो वो आए और भी पैसा
आदेश पर और भी पैसा निकाला जाए, जैसे 5,000 करोड़ निकाला गया और निकाला जाए, फिर और दिया जाए निवेशकों को, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी के टाइम पर मुझे ये जो पोर्टल लॉन्च हुआ है, इससे जो 10 से 30 हजार की बात, मैं अभी वो वीडियो चला नहीं सकता। आप जाकर अमित शाह की वो वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर पड़ी हुई है, उनका भाषण आप देख सकते हैं। अप्लाई करने से पहले उस चीज को जरूर देखिए। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि जिन भी लोगों का ये पैसा इस स्टेज पे रिफंड के लिए मिल रहा है, वो पूरा नहीं मिलने वाला है, वो पैसा उन्हें पूरा नहीं मिलेगा। 10 से 30 हजार की राशि रिफंड की जा रही है। अगर आपको 10 से 30 हजार की राशि चाहिए तो आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आप आधार कार्ड अपना यूज कीजिए, बैंक अकाउंट यूज कीजिए, जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके थ्रू ओटीपी के सत्यापन से आप अप्लाई कर सकते हैं, दस्तावेज भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन में अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।